कि पलटे क्यों यू टर्न क्यों मारा यू टर्न क्यों मारा इंटेंशन मेरे बहुत नोबल थे आज बोलना बड़ा अजीब सा भी लगता है कि आपने किसी को चाहा और बहुत नेक दिल से चाहा था हा? फिर जो भी मोहब्बत में हुआ वो अलग बात है लेटर ऑन क्या हुआ जो मैं बाद में उस यू टर्न की बात करता हूँ वन गुड थिंग विच हैपन इज दैट माई इंटेंशन वर अंडरस्टूड बाई पीपल ऑन द डॉक जो लीडरशिप पे थे जो डिसीजन मेकिंग में थे और कहीं ना कहीं आई डोंट नो कैसे तीन सौ सत्तर हमारी आइडेंटिटी का हिस्सा बना था जबकि हमारी आइडेंटिटी एक हजारों सालों पुरानी आइडेंटिटी थी एक मैंने वो देखा ऑलरेडी कि कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो रही है मेरी जिंदगी में सबसे बड़ी जो कॉन्सिक्वेंस मुझे लगी आपके डिसीजन की वो लगी मुझे कि एक तरह की तन एक तरह का डे आई टू एडमिट कि मैंने जो किया मैंने गलत किया गलत क्यों किया मैंने कोई क्राइम नहीं किया मगर मैंने सिचुएशन को प्रॉपरली असेस नहीं किया शायद मुझे उन दिनों ये हालात थे कि मैं चाहता था कि मैं बंद हो जाऊ hmm. मुझे एक अजीब सी डिजायर थी कि मैं एक्सपीरियंस व्हाट डज इट मीन टू और समथिंग एक गवर्नमेंट ऑफिसर को एक्चुअली कैसे होना चाहिए एक डेमोक्रेसी में वो आपको दिल्ली में पता चलता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में आप पी पोस्टिंग या पोस्टिंग पे होते हैं तो हमें तब लगता है कि यार ये तो मैं ही चला रहा हूँ क्या होगा अगर मैं ना हो <laughs> अच्छा ये हो <तक> जाता है <laughs> कि अगर मैं न रहूँ एक तो मेरे बाद क्या होगा दूसरा ये है कि अगर दूसरा आएगा कैसे करेगा वो आप टर्की जा रहे थे दिल्ली से ये क्या इंसिडेंट है मतलब क्या सच्चाई है इसका कि आप मतलब जा रहे थे और फिर आपको रोक लिया गया है। पिछले चार साल से कैसे इतना सब कुछ ठीक हो गया कि वो स्टोन पेटिंग जो वहां इतनी होती थी वो तो कैसे खत्म हो गई पिछले तीस सालों में कश्मीरियों ने करीब दो हजार दिन हड़ताल देखी टू थाउजेंड डेज विच रफली ट्रांसलेट्स टू छ हमारी जनरेशन के लोगों ने छे साल तक हड़ताल देखी बिलीव करिए मेरा फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम इन माई लाइफ मैं भी सोचता था कि यार वी मे नॉट नीड टू टेक अ स्ट्रॉन्ग अप्रोच टू टेररिज्म शायद टेरिज्म उससे नहीं हो पाएगा वी विल हैव टू विन द हार्ट्स एंड माइंड्स मिस गाइडेड यंगस्टर्स की टेक्नोलॉजी हमने बहुत देर तक चलाई उसका कोई फायदा नहीं टू गिव यू मस्ट गिव द इट्स दू पाकिस्तान के पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं hmm. आपको देने के लिए सिर्फ उनके पास है मिलिटेंसी ड्रग्स नेगेटिविटी टॉक्सिक आइडियोलॉजीज छोटी गलती भी करे मुसलमान भी काफिर हो गया ये भी काफिर हो गया शिया भी काफिर अहमदी भी काफिर अब अबरेल भी, भी काफिर कितने शरिया चलेंगे फिर तो आप ये एक तरफ से रहो या दूसरी तरफ से उसका सबसे बेस्ट सोल्यूशन ये है कि आप अपने फेथ को अपने और अपने रब के बीच में एक कोविडेंट माने और तो बाकी जो दुनिया है उसके बाहर है नमस्ते सर कैसे हैं बिल्कुल ठीक काफी महीनों से Uh, हम कोशिश कर रहे थे कि एक संवाद हो फाइनली थैंक यू सो मच फॉर कमिंग आपका जो पहला इंटरव्यू मैंने देखा uh, दोस्त कास्ट पे काफ़ी अच्छा था काफ़ी डिटेल था और काफ़ी रिएक्शंस भी आए तो मैंने भी कल ट्विटर पे डाला कि uh, शाह फैज़ल जी आ रहे हैं और आपको कुछ क्वेश्चन पूछन पूछना है और मैक्सिमम लोगों का घुमा फिरा के वही क्वेश्चन था कि पलटे क्यों यू टर्न <laughs> क्यों मारा यू टर्न क्यों मारा तो किसने आपको टर्न किया जिंदगी ने हां मुझे लगता है सबसे बड़ी जो इंटेलिजेंस एजेंसी है दुनिया में वो है लाइफ आपको ऐसी चीजें सिखा देती है एज अ टीचर थ्रू इट्स एक्सपीरियंसेस जो आपने कभी नहीं सोचा होता 5 के एक स्टेज पे मैं इतना श्योर था अपने अपने आप के बारे में कि जैसे मैं दुनिया को समझता जो मेरा नज़रिया है इस कंट्री के बारे में हम्म, जिस तरह से मैंने पॉलिटिक्स अंडरस्टैंड किया है या जैसे मैंने कश्मीर को समझा है शायद किसी ने ठीक है तो अगर कोई मुझे जो मतलब नॉलेजल लोग भी थे अगर वो मुझे कहते थे कि आप गलत कर रहे हो आई रिम्बर कई सारे मेरे जो दोस्त थे जिनको मैं कहता था मैं कुछ और करना चाहता हूँ टेल मी कि तुम्हें गॉड ने बहुत बड़ी ब्लेसिंग दी है ये जो तुम सर्विस में चले गए हो और ये जो तुम्हें अपने आसपास ये लगता है कि ये सारे लोग जो तुम्हें वाही कर रहे हैं ये सी सर्विस है तो तुम सोच समझ के करो जो करना बट एक स्टेज में कहते हैं ना कि थोड़ा सा भी पावर आ जाता है किसी को तो शायद आपकी आंख पे भी एक थोड़ी सी पट्टी बनने लगती है पट्टी सॉरी फॉर जो हमारे बिल्कुल कश्मीरी वाला थोड़ा सा प्रेजेंटेशन के हमारे मसले होते हैं तो पट्टी बन जाती है एंड uh, वही छोटी सी पट्टी शायद मुझे भी बंदी हुई थी टेक्स्ट टाइम जब वो खुल गई दुनिया दिखी है जब आप अपने आप पे अपने ऐसा नहीं था कि लाइक आई फील लाइक फेल्ड और समथिंग और जो मैं करना चाहता था वो नहीं था बट आई थिंक एक लाइ जिंदगी के एक स्टेज पे फिर मुझे इमिजिएटली ये समझ आया कि शायद जो मैं कर रहा था जो मेरे पास था वो इट वॉज वेरी वैल्यूएबल वेरी गुड वेरी प्रेशस और मैंने अपनी नादानी में या इसको ये भी बोल सकते हो मेरे एक सीनियर ने अच्छा वर्ड इसके लिए यूज किया बोला वो उसको कहते थे एरर ऑफ जजमेंट मैं उसको बोलूंगा आ, डरस्टैंडिंग्स विच ओनली ए यंग पर्सन कैन पॉसिबली एक्सपीरियंस के बाद में तो आपको इतनी हाई इनसाइट मिलती है दैट यू मे नॉट मेक दीज मिस्टेक्स बट दीज आर आई थिंक मिस्टेक्स ऑफ यूथ नथिंग इस पे कोई यू टर्न नहीं है इट्स अबाउट गोइंग आउट दर एक्सपीरियंसिंग गेट लर्निंग लेसन इन दैन कमिंग बैक जब आपने ये डिसीजन लिया पॉलिटिक्स में जाने का तब क्या किस तरीके के लोग मिल रहे थे या किसी ने इंकरेजमेंट एंक, किया था कि यार इधर आ जाओ और यहाँ पे ये कर सकते हैं या क्योंकि लोग सोचते हैं कि यहाँ पे अच्छा इस जॉब में मैं हूँ कोई भी है इट्स नॉट जस्ट अबाउट कश्मीर मतलब कोई भी है तो सोचता है कि और बहुत सारे ऐसे आई ऑफिसर्स हैं जो आई ऑफिसर्स हैं जो पॉलिटिक्स में जाते भी हैं बीच में रिटायर होके जाते हैं तो जब यह आपने सोचा तो क्या मतलब दिमाग में चल रहा था कि क्या करना है मेरे को पॉलिटिक्स में क्यों जा रहा हूं मैं uh, जब मैं सर्विस में पहले आया था तो एक चीज पे मैं बड़ा क्लियर था कि मुझे ऑन रहना छोटी सी छोटी चीज के बारे में आई वाज वेरी केयरफुल कि मुझे पैसे के साथ कभी जिंदगी में कोई मुझे एसोसिएट नहीं करना चाहिए मेरे फादर की जो एक चीज जिसपे एफसिस थी वो चीज इंटेग्रिटी कि इंटेग्रिटी पे आपका कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए So, I think somewhere, making money was never a part of my life's aspirations. But, in life, every job in I'm sure it happens to you as well, it happens to anybody else, that when you have something, then there are moments when you feel, maybe there is something more I could have possibly done. Right? you can interpret it, aspiration, you it overconfidence, you, you it over greed, मेरे कुछ दोस्तों ने उसको इंटरप्रेट किया बोला फैसल uh, इसको यू आर वेरी ग्रीडी कश्मीरी में हमारा एक uh, मुहावरा है mm. इसको बोलते हैं कैनमस वॉक्स आई विल रिपीट इट खैनमज वॉक्स यू मे नॉट बी इवन एबल टू स्पीक दिस सो कैनमस वॉक्स मींस रब ने आपको सब कुछ दिया है बट स्टिल यू विल डू सच ए स्टूपर थिंग कि जो आपके पास है दैट विल ऑल्सो बी गॉन तो आप जिस तरह से भी इस चीज़ को सोचें बट आई थिंक इट्स ऑल्सो समवेयर एंड नॉर्मल एंड नेचुरल ह्यूमन एस्परेशन टू ग्रो टू डू बिगर थिंग्स तो शायद वो भी कहीं ना कहीं पे था कि मुझे बड़ा इम्पैक्ट करना है तो अभी अगर मैं एक डेमोक्रेसी की आप बात करते हैं तो आपको लगता है यार बॉसेस तो ऊपर फाइनली पॉलिटिशियंस ही होते हैं तो व्हाट वुड बी इट लाइक इफ यू रियली गो अप दिनों की सोच थी कुछ स्पेसिफिक चीज़ें थी जो आप चाहते थे कि ये ऐसा मैं कर सकता हूँ कश्मीर मुझे सिर्फ लगता था दैट वन यू आर इन द सर्विस तो मैं मैं बहुत यूथ के साथ काम करना चाहता था hmm. और इट वॉज वेरी क्लोज टू माई हार्ट कि हमने वहाँ पर जिस तरह का वायलेंस देखा और जिस तरह की एलिनेशन देखी थी उन दिनों और जिस तरह से यूथ को गाइडेंस की एक्सपेक्टेशन थी या जरूरत थी मुझे लगता था शायद वो डायरेक्टली मैं नहीं कर पा रहा हूँ तो इफ़ आई गेट एन अपॉर्चुनिटी जिसमें मुझे फील्ड में काम करने का मौका मिलेगा तो शायद मैं लोगों के साथ क्लोज एसोसिएशन से काम करूँगा सर्विसेज में एक चीज़ होती है यू आर मोर लाइक ए प्रोफेशनल और आपका अपना एक एक ज़रा सी दूरी भी तो रहती है hmm. उस दूरी को ख़त्म करने के लिए आई थिंक प्राइमरली मैंने सोचा था मैं ये करूँ इंटेंशन मेरे बहुत नोबल थे आज बोलना बड़ा अजीब सा भी लगता है कि आपने किसी को चाहा और बहुत नेक दिल से चाहा था हा? फिर जो भी मोहब्बत में हुआ वो अलग बात है <laughs> अच्छा कश्मीर में 370 हटने से पहले अभी तो आपके व्यूज पता ही है और उस पर भी बात करेंगे लेकिन जब 370 जिस दिन हटाया गया उस दिन आपका वर्ल्ड व्यू काफी अलग था तो वो आपकी मतलब क्या सोच थी कि 370 क्या है मतलब हमारे लिए क्या मायने रखता है एक अजीब सा एक चेंज परस्पेक्टिव है जो न सिर्फ मुझे हुआ बल्कि मुझे पूरा यकीन है कि ये बहुत सारे कश्मीरी यूथ को हुआ ये जैसे हम देखते थे पहले तो ये बात थी कि हमें लगता था है क्या ये तो एक कॉन्स्टिट्यूशन का ही तो एक आर्टिकल है। और ये आर्टिकल क्या करता है ये आपकी आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करता है दिस वाज हाँ, तो अच्छा, तो हाँ। उसकी जो लीगल परस्पेक्टिव थे वो अलग थे हमारे लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट था उसके जो हमारी आइडेंटिटी से उसकी जो इंटरप्रिटेशन होती थी हाउ इट यूज टू इम्पैक्ट आवर कि हम लोग कौन हैं और हमारी हिस्ट्री क्या है और हमारा पास्ट क्या है तो हम उसको उस नजरिए से देखते थे और कहीं ना कहीं पे हम बिल्कुल ये नहीं सोचते थे कि इससे कोई प्रॉब्लम है या नेशन बिल्डिंग में ये कोई हमारा एक बैरियर बना हुआ है तो आप एक बड़ी इनोसेंस से इस चीज को प्रोटेक्ट करने निकलते मॉटन लूथर किंग एक लफ्स यूज करते हैं उसको बोलते हैं कॉन्शंस स्ट्यूपिडिटी विच इज दैट आप बड़े क्लीन कॉन्शियस से क्लीन कॉन्शियस से आप किसी चीज को डिफेंड कर रहे हैं विच मे एक्चुअली बी स्टूपेट बट योर इंटेंशन वेरी गुड तो शायद आई थिंक दैट वॉज द अंडरस्टैंडिंग हम देश की सेवा ही कर रहे हैं बाय डूइंग दिस तो कभी ये नहीं सोचा था कि अनोइंगली भी हम कभी

हम वी डिन मीन एनीथिंग हार्मफुल वी डिन मीन एनीथिंग बैड फॉर द कंट्री बाय सेइंग व्हाट वी सेट जब आप ओवरऑल सोशल मीडिया पे जैसे कॉन्वर्सेशन कर रहे हो एंड देन यू सी हाउ पीपल आर रिस्पोंडिंग टू यू कि हाँ ये भी पॉसिबिलिटी क्योंकि जब आप ट्वीट करते होंगे तो दूसरे पूरे राज्यों से और जुल जिस तरीके के कमेंट्स आते होंगे बिल्कुल आपको आप, आप से से... सोचते थे कि यार ये कितना नेगेटिव क्यों हो रहा है जनवेक मुझे लगता है जो जो नेगेटिविटी भी भी, थी थी इनिशियली थोड़ी बहुत आई थिंक वो कोई सरप्राइज uh, नहीं थी मेरे। अच्छा। आर्टिकल उनके लिए भी अजीब सी बात और मेरे लिए अजीब बात ये थी कि मैं क्यों डिफेंड करूं इसका बिकॉज हमें भी समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है हर किसी की एक्चुअली आप देखिए जो लाइफ में हमारे ओपिनियंस बनते हैं या इवन जो हमारी आइडेंटिटी बनते हैं जो जैसे आप अपने आप को परसीव करते हो या मैं अपने आप को परसीव करता हूँ उस पर बहुत डिपेंड करता है आपकी अप्रिंगिंग पे या मेरी अप्रिंगिंग पे या आपकी एजुकेशन पे या आपके किस तरह के इन्फ्लुस आपको मिले हैं ना किस तरह की Uh, किस तरह का एक्सपोजर आपको मिला नॉलेज का, का या कैसी तो भी आपके कुछ ना मतलब हाँ. आपको, आपको भी जब इसको सोचने फिर लगते है कि ये क्या था शायद तब आपको ये समझ आने लगता है की हाँ पहला रियलाइजेशन कब हुआ आपको कि यार ये मतलब देर टू बी समिंग कोई तो इवेंट हुआ होगा कि जिसकी वजह से आपने सोचा कि नहीं है। yes, मैं शायद गलत था जब एक बार चीज़ें हो जाती हैं तो शायद आपको उन पर सोचने का मौका मिलता है हमने अपनी लाइफ पे कभी नहीं इमेजिन किया होता है कि एक दिन ऐसा आएगा कि अपर पेरेंट्स लीव अस एज चिल्ड्रन हम सब ने ये दुआ की होती है कि रबा हमारे जो पेरेंट्स है दे शुड डाई आफ्टर अस कभी एक्सेप्टेंस नहीं होती है जहन में कि कभी एक दिन ऐसा आएगा this. I think जो भी हमारे आस पास की हकीत हैं उनको लेटर तो जो एनालिसिस होती sorry, एक पोस्टमार्टम जैसा जो होता मेरे लाइफ में भी मौका मिला फिर मुझे इन चीजों पर सोचने का कि ये क्या था क्या नहीं था hmm. There was that was out there. मुझे नहीं लगता है किसी भी कश्मीरी बंदे ने कभी सोचा था कि ये कोई चीज है uh, ही ही बहुत hmm. सालों से और कही कहीं न कहीं आई नो कैसे तीन सौ सत्तर हमारी आइडेंटिटी का हिस्सा बना था जबकि हमारी आइडेंटिटी एक हजारों सालों पुरानी थी एक आर्टिकल जस्ट से और जिस आर्टिकल के बारे में लिखा हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन में दैट इट वॉज ए और जो कोई बाहर से नहीं आया था उसी पार्लियामेंट ने दिया था जिसने उस पार्लियामेंट जिस पार्लियामेंट ने उसको बाद में, में किया इतना कैसे इमोशनल अटैचमेंट हो गई थी हमारी इस चीज के साथ दैट्स ऑल्सो समथिंग विच है क्या आप उस अपने ओपिनियन को चेंज कर पाए और जो पॉलिटिशियंस हैं एग्जिस्टिंग Uh, कश्मीर में वो नहीं कर पाते हैं क्या इसका एक कारण ये भी है कि दे आर मोर लाइक फॉलोअर्स ऑफ देयर फॉलोअर्स रादर देन बीइंग लीडर्स बिकॉज दे हैव अ कॉन्स्टिट्यूएंसी राइट टू कैटर टू अगर आपको वोट चाहिए अगर आप, <laughs> आपके पास पता है आपके कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है उसका क्या ओपिनियन है उस चीज़ पे क्या तो मैं उस स्पेस में नहीं हूँ <laughs> और मैं मुझे नहीं लगता प्रॉपर भी रहेगा कि किसी पे कोई कमेंट किया जाए मगर मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि मैं जनरली भी बोल रहा हूं मतलब हम जैसे अपना ओपिनियन चेंज कर लेते हैं देर आर नो लाइक कंसिक्वेंसिस यही है कि यार तुमने यू टर्न मार लिया है ना बट अगर वो करते हैं तो उनका कॉन्सिक्वेंस है कि दे सीज टू एग्जिस्ट एज अ पोलिटिशियन आई थिंक अपने ऑडियंस के हिसाब से अपनी जिंदगी के जो स्टेक होल्डर्स उसके उसके हिसाब से डिसीजन लेता है uh, मैं मेरे अप्रोच दो है एक तो यह है कि यू विल बी अपॉलोजिटिक अबाउट समथिंग सेकेंड इज़ दैट आप एक्सेप्ट करेंगे अब तो चालीस साल का मैं हो गया लाइफ में मैं कोई गिल लेके अपनी ज़िंदगी में नहीं चल सकता कि मैंने यार कुछ किया और फिर मैं अपना मुंह छिपाते हुए चलूँ यार मैंने कितना गलत किया वो हुआ ये हुआ द बेस्ट वे इट इज़ कि अपने ज़िंदगी के इस स्टेज में अगर मुझे कोई नई चीज़ समझ आई है तो आई थिंक उसको एक्सेप्ट करना सबसे बड़ी चीज़ आपने गलतियाँ की हैं इसमें कौन सी बड़ी बात है गलती करना हो जाती है जजमेंट हो जाती है है ना? तो वो जजमेंट आपने जब गलत करी तो अगर आपको होना है, तो उसमें इस चीज पे बात कर पाता हूँ मतलब कोई वो नहीं है ना कि भाई... मैंने वो देखा ऑलरेडी क्या हो रही है मेरी जिंदगी में सबसे बड़ी जो कॉन्सिक्वेंस मुझे लगी आपके डिसीजन की वो लगी मुझे कि एक तरह की तन्हाई एक तरह का कि की लोनलीनेसलीनेस यूनिक किस्म की ये लोनलीनेस आ जाती है आपके आसपास जब आप कुछ ऐसी चीजें अपनी जिंदगी में करते हैं विच आर डिफिकल्ट फॉर अदर्स टू अंडरस्टैंड तो वो मैंने महसूस किए है कि जो रिश्ते आपके हैं अपने आसपास, मतलब लोनलीनेस क्या है कि आप यू विल लूज दोज पीपल हु मैटर टू यू किसी के लिए वो लोग वोटर्स हो सकते हैं किसी के लिए फैमिली हो सकती है किसी लिए फ्रेंड्स हो सकते हैं किसी के लिए उसके जो स्पॉन्सर्स हो सकते हैं वो अटैचमेंट्स जो एक हर एक इंडिविजुअल की होती है मेरे लिए भी वो चीज मैंने एक्सपीरियंस की है कि व्हाट व्हेन व्हेन यू आर लोनली पीपल एक्चुअली लीव आई हैव सीन ऐसा हुआ है बिल्कुल हुआ जब एक स्टेज मेरी लाइफ में ये आया कि आई वॉज आउट ऑफ जॉब एंड माई पोलिटिकल एडवेंचर हेट फेल्ड ये बलून ही फट गया है ना मेरी जो सारी क्रेडिबिलिटी थी, थी या जो मैंने कहा आपको तेरह साल तक मैंने नौकरी की थी और जो मैंने कोशिश की थी कि मैं अपनी इंटेग्रिटी से लोगों को इंफ्लुएंस करू सडनली पीपल है मेरे जो दोस्त थे जो इस सर्विस में मुझे मिले थे सडनली उन दोस्तों के लिए भी मैं एक लाइबिलिटी बन गया था तो एक सेंस ऑफ मीनिंगलेसनेस आ जाता है आपको सेंस ऑफ अपोर या लैक ऑफ हैप्पीनेस होता है होता आपको आपको लगता है कि ये मैं क्या कर गया एंड नोबडी कैन अंडरस्टैंड दिस एंड पीपल लीव एंड यू आर लेफ्ट योर ओन सेल्फ बट बहुत लोग जुड़ते भी तो हैं अगर आपने कोई स्टैंड लिया मान लीजिए

और उस लम्हे में आपको रियलाइज होने लगता है कि यार जिन चीजों को मैंने इंपॉर्टेंट अपनी लाइफ में माना था वो थी ही नहीं था मेरा आज एक इल्यूजन था जिसके पीछे मैं भाग रहा था और मैं उस चीज से एक्सपीरियंस करके आया था इसलिए द डे आई हैड टू एडमिट कि मैंने जो किया मैंने गलत किया गलत क्यों किया मैंने कोई क्राइम नहीं किया मगर मैंने सिचुएशन को प्रॉपरली असेस नहीं किया और इन दी वर्ल्डली टर्म्स मैंने गलत किया क्योंकि मैंने मतलब ये शायद मिडिल क्लास मोरालिटी के हिसाब से गलत था क्योंकि कौन बंदा पागल होगा जो आई छोड़ देगा और ऐसे एक दुनिया में जंप मारेगा जिसका उसको पता भी नहीं है मैं उस एंगल से गलत कह रहा हूं कि इट्स अ स्ट्यूपर्ट थिंग टू डू नॉट इट्स अ बैड थिंग टू डू आई सो आई डिड अ स्ट्यूपर थिंग और उसकी consequences मैंने face की no कि मैं नथिंग इन दैट आई मुझे इस कोई फर्क नहीं पड़ता किसको क्या लगे काफी लोग मुझे कमेंट भी करते हैं तुमने ये किया आप आप भी देखते हैं जिंदगी में मैंने ये देखा है आप थोड़ी देखें मैं जानता हूं मैंने क्या देखा पॉलिटिक्स में आप गए क्या मतलब देखा आपने कि किस कैसा वर्ल्ड है वो To your... मुझे लगा इट्स अ वेरी वर्ल्ड अच्छा बहुत दुनिया है और जिन लोगों के लिए आपको लगता है आप जा रहे हैं हुँ? को कुछ और ही लोग है, हाँ। ये जो इंसान को होता है, complex, जिसको हम है, लगता है कि मैं जा रहा हूँ दुनिया को बदलने नेताओं में कुछ ज्यादा ही होता होगा तो ये एक तरह की आपकी आई थिंक एग्जिस्टेंस का हिस्सा होता है आपको लगता है कि मैं वो बंदा जो क्योंकि उसके बिना दे। दे। मतलब पॉलिटिक्स में सरवाइव कैसे जुनून के बगैर आप नहीं चल कहीं ना कहीं कही मुझ में भी वो था कि मैं ही वो वन <laughs> वन जिसको ये काम करना है जिसको बदलना है जिसको यूथ के लिए जॉब भी क्रिएट करने है जिसको अगर यंगस्टर्स को गवर्नमेंट ऑफिस में दिक्कत आ रही है तो ही ही इज़ हैज़ टू डू इट प्राउड फंडिंग करनी है अपने सोशल मीडिया पे है ना, सारे ऑफिसर्स को फोन करना है अगर किसी को भी दिक्कत है वो बंदा आपका जान पहचान का हो भी ना हो बड़ी हो, Brothers, कि तुम इतने क्यों बने हुए हाथि अच्छा। तुम क्यों काहे को फोन करते हो सबको सबके बारे में उनको लगता है ये तुम्हारे अपने रिलेटिव है मैंने एक्चुअली एक ऑफिसर को एक दफा फोन किया एड यी टोल संबडी बोला ये सिर्फ मुझे अपने रिश्तेदारों के बारे में फोन करता रहता है मैं, उनका वो काम ही नहीं था मैं उसको जस्ट रैंडम था तो ये जो चीजें फील्ड में आपको अंडरस्टैंड बाद में हो जाती हैं कि ये दुनिया जितनी सीधी है एक और पैराडॉक्स है उसको बोलते हैं वो पैराडॉक्स या उसको हम ये भी कह सकते हैं कि हमेशा ये भी लगता है कि आप जो भी कर रहे हैं वो रिकॉर्ड हो रहा कहीं पे आपकी अच्छाई या रिकॉर्ड हो रही है एक रजिस्टर दुनिया में मेंटेन हो रही है कर्मा रजिस्टर वो तो है ही कर्मा का रजिस्टर उसको तो मान ही रहे हैं लेकिन हाँ आपको लगता है ओके इसका इमीडिएट बेनिफिट होने वाला है आपको यू विल सडनली स्टार्ट थिंग्स अराउंड यू विल स्टार्ट हैपनिंग लाइफ में थोड़ा और uh, सेल्फलेस बनने की बनना पड़ता है ये शायद ये जो आप कर्मिक कर्मा की बात कर रहे हैं तो मे बी इट इज़ पॉसिबली ये जो चेक्स हैं ये नेक्स्ट लाइफ में शायद कैश हो सकती है और मे बी लाइफ आफ्टरवर्ड्स नॉट नेसेसरली की इसी दुनिया में होता है इस दुनिया में भी आपको बहुत पॉजिटिविटी मिली है मुझे भी मिली है ऐसा ऐसी बात नहीं है यू डू गुड यू फैट एंड समथिंग गुड विल कम बैक टू यू इवन इन दिस लाइफ ऑल्सो बट एट टाइम्स मे बी पॉलिटिक्स इज नॉट द काइंड ऑफ फील्ड जिसमें ये मेरे को ज्यादा होते हैं तो ये कम्पटिटिव आपने बहुत देखा मतलब ये तो फिर ये बात हो गई ना कि यू इवन ट्रस्ट फ्रेंड्स क्योंकि दे आर बहुत है और एक चीज ये भी हुआ मुझे लगा कि आपको बहुत लोग को अनॉय करना पड़ता है क्योंकि पावर स्ट्रगल है तो आप जिनके अगेंस्ट जा रहे हो तो आपको उनके खिलाफ बात करनी पड़ती है उन लोगों की कुछ अच्छायाँ भी तो होती है वो आप बता नहीं सकते है ना <laughs> उन दिनों मेरे जो जिनके बारे में मैं बात करता था तो मैं बहुत डायलो में होता था यार इनकी तो अच्छायाँ भी हैं कैसे मैं उनको इग्नोर करूँ कुछ तो अच्छा भी है कर रहे हैं बट यू आर रेजिंग अगेंस्ट कॉन्स्टेंटलीम तो मे बी या तो पॉलिटिक्स को ही अब रि इमेजिन करें तो फिर शायद बात चले पर जिस तरह से मैं सोच रहा था शायद आई वॉज बिंग वेरी नाइव शायद उस फॉर्मेट में वो पॉसिबल नहीं था hmm. मैं दो इंसिडेंट पे पूछूंगा उसके बाद फिर हम जनरल बातें करेंगे जब जिस दिन आर्टिकल 370 हटा तो उसके बाद शायद आपका डिटेंशन हुआ था वहाँ पे क्या हुआ व्हाट ट्रांसपायर्ड इन दोज डेज वो भी एक एक्सपीरियंस था हाँ मतलब बहुत एक कहा आई में आराम से बैठे थे और उसके बाद फिर हाँ वो भी एक एक्सपीरियंस था इट वाज नॉट एग्जैक्टली दैट वे द वे इट फील्स नई सलाखें नहीं थी अच्छा बट वो भी एक लाइफ का फेज था जिसमें आई डों मेरी गलती की वजह से शायद मुझे उन दिनों ये हालात थे कि मैं चाहता था कि मैं बंद हो जाऊं हाँ hmm. मुझे एक अजीब सी डिजायर थी कि मैं एक्सपीरियंस करो वॉट इज इट मीन टू बी डिटेन समथिंग

उसको प्रोसिक्यूशन कॉम्प्लेक्स भी बता दो शायद आप चाहते हो आपको खुद को हर्ट होने में भी शायद कुछ मज़ा आने लगता है एक सेंस ऑफ मैसोकिज्म है आई डोंट नो कैन यू पुट इट दैट वे तो आपको लगता है लीडर में इसी से बन जाऊंगा उसमें हमारा जो परसेप्शन ऑफ लीडरशिप भी है वो भी आता है कि हम किसको लीडर मानते हैं और कश्मीर में तो और हर जगह पे ये बहुत ही कॉमन तो है हिस्टोरिकली हर जगह पे हमने गांधी जी की बातें सुनी है नेल्सन की सुनी है तो आप अपने आप को भी उन्हीं उसी पर्सनालिटी की इमेजिनेशन में करने लगते हो कि यार मैं तो किसी बड़ी राइटियस कॉज के लिए लड़ रहा हूँ वो क्योंकि छोटी सी छोटी सी चीज है वो आप अपने गांव में आपको एक प्ले ग्राउंड चाहिए गार्मेट नहीं दे रही है आप भूख हड़ताल पे चले गए जेल चले गए यू फील वेरी गुड अबाउट दिज आर वेरी राइटियस कॉजेज इसमें कोई क्रिमिनल इंटेंट आपका नहीं है आप uh, एक क्लियर कॉन्श से जा रहे इन चीजों को करने के लिए तो आई थिंक मैं उस hmm. को sort of नया हो रहा मेरा साथ जो <laughs> कभी हाँ जो मैं कभी शायद इमेजिन ही नहीं कर पाता कि ये कभी होगा मेरे साथ तो आपने जब यूपीएससी क्लियर किया होगा और उसके बाद फिर आप एडमिनिस्ट्रेशन में सर्व किया कभी सोचा नहीं कि मतलब पॉलिटिक्स में कभी जाएंगे ऐसा नहीं सोचा था नॉट really. अच्छा मुझे पता भी नहीं था क्योंकि आई कम फ्रॉम अ वेरी फार अवे प्लेस इन कश्मीर मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं था माय फादर वाज अ स्कूल टीचर और uh, मेरी पूरी फैमिली में किसी को आइडिया भी नहीं था ये क्या होता है बस इतना था कि आइडियलिज्म था कि यार कुछ करते जा बढ़ते जाना है आगे और नई चीजें करते जाना है तो वो आप मानो कि वो भी संगवेर यही था कि जब आप यूपीएससी एक बार कर गए तो इतना बड़ी चीज हो गई अब नौकरी आई तो नौकरी में मजा नहीं आ रहा hmm. वो थ्रिल नहीं आ रहा वो इतना एक्साइटमेंट था यूपीएससी में आधे टाइम अब टू डे लाइफ है नौकरी है मेहनत करनी है आपको कितना टीवी पर रहोगे मुझे आज भी कभी कभी ये अजीब भी लगता है कि मैं ये पॉडकास्ट कभी करता हूँ इंटरव्यू तो मैं कभी देता है न्यू टू एनी टी वी चैनल आई डोंट गो आई डोंट एनी थिंग इवन आई डोंट स्पीक टू न्यूज पेपर्स बट कभी ये कुछ पॉडकास्ट मैंने इसलिए भी किए बिकॉज मुझे लगा कुछ चीज़ों के बारे में बात करना करनी चाहिए विल ज़रूरी है क्योंकि दिस इज अबाउट रिफ्लेक्टिंग बैक ऑन वॉट हैपन ये कोई मैं पॉलिटिक्स के लिए नहीं कर रहा हूँ बिकॉज दैट फेज इज गॉन फॉर मी

आपने छोड़ा डीन वहाँ wow, कुछ भी नहीं है वो चीजें मैंने इमेजिन नहीं की थी कि इसके जो unintended consequences वो क्या और आई अंडरस्टोड लिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन यू एज इंडिविजुअल ये सिर्फ ये नहीं आपके मन में मौज आई कि मैं छोड़ रहा हूँ तो छोड़ दिया और फिर आपके मन में मौज आई अब मैं इस कॉज के पीछे चला गया But there are also some people in life ko negatively impact. Karo. So that's one of the reasons also that realize that I need to come back and uh, journey ko dissect this journey and dissect life. Mein, there is a lot more to life hmm. than getting disappointed at a certain point of time. Hmm? Feeling rejected, feeling rejected, feeling meaningless. और एक ये भी है ना कि जो यूपीएससी के लोग तैयारी करते भी हैं और फिर आई बन जाते हैं तो ये बहुत सारे लोगों के साथ होता भी होगा क्योंकि उनका जो परसेप्शन है कि हम जब वहाँ पे बैठे होंगे तब हम ये करेंगे हम आ, वो करेंगे और जब आपको रियलिटी चेक मिलता है लाइफ बहुत है जो होता जिससे हम स्टार्ट तैयारी करते हैं पहले जब यू पी तैयार करते हैं वो बड़ा जरूरी भी है मगर उस टाइम ये भी मैं आपको बताऊं अगर आप उस टाइम किसी तरह की प्रैक्टिकलिटी या प्रैक्टिकल माइंड का आप सोचने लगेंगे तो शायद आपको मोटिवेशन भी नहीं मिलेगा उस वक्त बड़ा जरूरी है कि आप का आइडियलिज्म इंटैक्ट रहे यह आपको सच में दुनिया को बदलनी है और ये भी नहीं है कि आप दुनिया बदल नहीं पाते hmm. हाँ होता क्या है कि आपका स्केल चेंज हो जाता है आप तो हजारों लोगों की लाइफ में एक्चुअली इंपैक्ट कर पाते हो जब मैंने अपनी जिंदगी में एज ए डी सी एज ए डायरेक्टर एज ए कमिश्नर जो भी पोस्ट मैंने हैंडल किए आई चेंज दर वर्ल्ड बट डेफिनेटली बहुत लोगों की लाइफ में मैंने इम्पैक्ट किया होगा एज एन ऑफिसर पॉजिटिवली तो अभी तो की बात अभी तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट के आ गए हो और मिनिस्ट्री uh, में काम कर रहे हो कितना अलग होता है क्योंकि जब आप डिस्ट्रिक्ट के कमांड सम्भाल संभाल रहे हो और एक आप यहाँ पे एक ऑफिस में एक बड़े ऑफिस में एक छोटा सा कैबिन कंपैरेटिवली और आप एक डिस्ट्रिक्ट को चला रहे हो कितना अंतर है दोनों में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में काम करना अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रिविलेज होती है मगर उसके साथ साथ ये बहुत ही एक हम्बलिंग एक्सपीरियंस होता है hmm. ये एक गवर्नमेंट ऑफिसर को एक्चुअली कैसे होना चाहिए एक डेमोक्रेसी में वो आपको दिल्ली में पता चलता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में अच्छा यहाँ पे यू आर पब्लिक तो आपके जो आसपास की सारी फ्रिल्स होती हैं जो सारा पैरफ्रल होता है पुलिस वाला होता है दफ्तरी होते हैं ना, जो भी लोग आपके आसपास होते हैं जो शोषा होता है गाड़ी है वो है ये। आई थिंक वो यहाँ नहीं सो दैट ब्रिंग्स बैक योर वर्क यहाँ पे और इतने सारे आई आईपीएस, एस आई पी एस आई एफ एस दिल्ली में होते हैं कि आप कहीं से भी गुजरे तो हर किसी को एक एक है ना एक कार्ड लटक रहा होता है एंड देन यू यू रियलाइज दैट आर पार्ट ऑफ समथिंग बिग और आपकी पर्सनल एज एन इंडिविजुअल यू डोंट मीन जो हमें वो सेल्फ इंपॉर्टेंस मिलती है फील्ड में शायद मैं ही कुछ हूँ कभी कभी वो एक फेमस डायलॉग मेरा एक दोस्त बोलता है कि कभी कभी लगता है कि मैं ही भगवान ही भगवान है कुछ ऐसा है हाँ वही है तो फील्ड में वो होता है आपको लगने लगता है मैं ही तो हूँ शायद डीसी को फास्ट कर जब डीसी डी पोस्टिंग या एस पोस्टिंग पे होते हैं तो हमें तब लगता है कि यार ये तो मैं ही चला रहा हूं क्या होगा अगर मैं ना हो अच्छा ये आता जाता है कि अगर मैं न रहूँ एक तो मेरे बाद क्या होगा दूसरा ये है कि अगर दूसरा आएगा कैसे करेगा वो <laughs> जो मैं कर रहा हूँ बट देन जिंदगी का ये दस्तूर रहा है कि इतने लोग आए हैं इतने गए हैं हजारों लोग हर साल आते हैं रिटायर हो जाते हैं hmm. ये लाइफ का एक साइकिल है और ये देश उन सारी चीज़ों से बड़ा है और ये वैसे तो आपने काफ़ी फिलासफिकल बात कर दी कि जो लर्निंग है यहाँ पे काफ़ी फिलोसफी के लेवल पे बात हुई है प्रैक्टिकली जैसे अगर मैं बात करूँ क्या लेसन हैं दोनों के मान लीजिए अगर आपने वहाँ पे कुछ सीखा कि वहाँ का यहाँ पे कुछ चैलेंज आया होगा तो अप्लाई किया और यहाँ पे है तो अब मान लीजिए वापस जाते हैं डीसी बनते हैं किसी प्रोफेशनलिज्म फैशनलिज्म है यहाँ पे ये बिल्कुल मैटर नहीं करता है कि आप कौन वो कहाँ से आए आपका केस बोलता है कोई रिकमेंडेशन किसी की नहीं होती यहाँ कुछ नहीं लिखने की जरूरत होती आपकी फाइल ऑटोमेटिकली चलेगी यहाँ दिल्ली में एक और बेस्ट चीज़ मुझे ये लगी कि यहाँ टाइम बाउंड डिसीजन मेकिंग है आप अपने मन पर नहीं आपके आपकी कोई अपनी डिस्क्रिप्शन नहीं है कि आप जितनी देर तक चाहें फाइल को अपने पास रखनी

पिछले 200 सालों की या 300 सालों की जो बैगेज है उसकी थोड़ा बहुत इम्प्रेशन आपको फील्ड में आज भी मिलेंगे लेकिन दिल्ली में यू वर्क लाइक कॉर्पोरेट एंड दिल्ली में का हर दिल्ली की हर दिल्ली आई मीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की हर एक मिनिस्ट्री एक्सट्रीमली प्रोफेशनल टाइम बाउंड डिसीजन मेकिंग में बिलीव करती है और यहाँ आउटकम्स पे फोकस होता है आप काम नहीं करोगे hmm.

यहाँ की ट्रांसपेरेंसी लेवल्स बहुत हाई है यहाँ आरटीआई बहुत ज़बरदस्त तरह से इम्प्लीमेंट हो जाता है और यहाँ लोग पब्लिक सर्वेंट की हसीियत से बिहेव करते हैं मैंने देखा है कि जिस तरह का रेस्पेक्ट एक ऑर्डनरी सिटीज़न को एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑफिस से मिलता है शायद ही उसको वो किसी और ऑफिस से मिले गवर्नमेंट इंडिया इज ट्रूली रिस्पेक्ट्स एवरी सिटीजन एज एन इक्वल स्टेक ये बड़ा यूनिक तो ये तो आप मतलब जिस तरीके से आप बता रहे हो उस हिसाब से देखा जाए तो जो भी यूपीएससी क्लियर करता है उसको कम से कम पांच साल तो यहीं पे रखना चाहिए अब तो बेस्ट पॉलिसी आई है कुछ सालों से कि आपको दिल्ली से ही स्टार्ट कराते हैं हाँ तो अब आप असिस्टेंट सेक्रेटरी पहले दिल्ली में लगते हो साल भर अपना प्रोफेशन यहाँ करते हो फिर आप फील्ड में चले जाते हो तो आपको तो समझ आता है एक्चुअली दिल्ली तो दिल्ली का जो इमर्शन है ये बड़ा जबरदस्त हो रहा हमारे टाइम ये नहीं था अच्छा तो जो नई जनरेशन ऑफिसर्स की आ रही है की वो पहले से वो हो ही हम लोग हाई स्टैंडर्ड तो वो बड़ी जबरदस्त चीज है दूसरा इंसिडेंट की मैं जो बात कर रहा था उसके बाद फिर हम कश्मीर के बारे में बात करेंगे लोगों के बारे में सोसाइटी के बारे में लेकिन वो इंसिडेंट जो बहुत कोर्ट होता है ट्विटर पे इधर उधर आप टर्की जा रहे थे दिल्ली से ये क्या इंसिडेंट है मतलब क्या सच्चाई है इसका कि आप मतलब जा रहे थे और फिर आपको रोक लिया गया एक फिक्शनल स्टोरी बड़ी जबरदस्त थी उन दिनों अच्छा क्योंकि मेरे बारे में भी एक काफी मेथोलॉजी थी कि ये आदमी है कौन ये क्या ये बोल रहा है विच इज वेरी नॉर्मल जब मैं कश्मीर में बोलता रहता था उन दिनों तो बहुत लोगों को अजीब सा लगता था सस्पेशन ये क्या है हाँ अपने ही लोगों इट इट टू टू मतलब रेज ऑफ टेंटिकल्स अक्रॉस जब मैं खुद अपने आप के उन स्टेटमेंट्स को देखता हूँ इतना सुपर लगता है कि ये बोल पुल रहा है बंदा तो बेसिकली जब मैं कैनेडी स्कूल में अपना मास्टर्स कर रहा था तो मैंने सोचा मैं लीव लेके वापस जाऊँगा और मैं यहाँ अपनी लाइफ का फर्दर डिस करूँगा मुझे क्या करना है तो मैं यहाँ आया एंड जब ये नए डिसीजन गवर्नमेंट के रे के हुए तो मैंने सोचा अब मैं वापस चला जाऊंगा तो मैंने अपनी माई फैमिली उन पोकेशन दिल्ली में रखे आई स्टार्टड मैंने सोचा मैं वापस चला जाऊंगा न्यूयॉर्क तो जब मैं जा रहा था तो वन वे वॉज टू टेक अ डायरेक्ट फ्लाइट टू न्यूयॉर्क दूसरी पॉसिबिलिटी थी कि मैं जर्नी को ब्रेक करूँ उससे मेरा किराया बच रहा था इट वॉज अ चीपर टिकट तो वर टू वेज टू डू दैट वन वॉज गोइंग थ्रू इंग्लैंड दूसरा होता है इस्तांबुल के थ्रू जाना तीसरा होता था शायद बहरेन के थ्रू भी वो जा रही थी वो फ्लाइट उस, उस दिन बिकॉज वो शॉर्ट नोट्स फ्लाइट हुई थी तो माय टिकट वाज बुक राइट अप टू तो बॉस्टन अच्छा तो so, उसका लेवर था कहीं पे बीच में अच्छा तो ये स्टोरी वहां से बनी है जिन लोगों ने समझा उन्होंने भी गलत नहीं समझा उन्होंने सही बोला कि ये तो वाया जा रहा था बट उन्होंने उतना ही देखा कि ये टिकट आगे कहाँ इसका शायद एयरपोर्ट से बाहर भी नहीं निकल रहा था उसको सीधे आगे चले जा रहा था अच्छा चलो ये बट इट्स ओके दीज आर लाइक नहीं ये जरूरी था कि क्लियर हो मुझे भी नहीं पता था हाँ, क्योंकि ये कुछ मिथ होते, होते रहते हैं वो जो बार बार चिपकाए जाते हैं तो अब हम बात करते हैं कश्मीर के बारे में तीन हट गया उससे पहले और अब में कितना बदलाव है एज एन ऑफिसर एंड एज अ सिटीजन ऑल्सो काफ़ी लोगों को ये भी लगता है कि जब मैं इन इश्यूज पे बात करता हूँ उनको लगता है कि ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स है कि या मैं गवर्नमेंट की प्रेज करने के लिए ये बोलता रहता हूँ जबकि मैं इसको बोलता हूँ एज एक लाइफ की जो एक्सपीरियंस है हमारी बिकॉज जिस तरह से 370 सेवेंटी आपको इम्पैक्ट करता है या जिस तरह से मुझे दे आर डिफरेंट आई एम फ्रॉम मेरी फैमिली वहां मेरा घर वहाँ और मैं पिछले तीस साल का मेरे पास है। पहले क्या था अब क्या है क्योंकि हमने हर दिन की रियलिटी कश्मीर की देखी है और सबसे बुरे दिनों की भी देखी है सिर्फ बुरे दिन हमने देखी <laughs> तो हमने जैसे सोचा था तीन के बारे में हमें लगता था कि यही शायद एक हमारी चीज है जो हमें प्रोटेक्ट कर रही है हमारी दवाई यही है जबकि हमें नहीं पता था कि हमारा जहर यही है तो पिछले चार साल से अगर आप देखेंगे तो एक तो लॉ एंड ऑर्डर में एक ड्रास्टिक रिपोर्ट चेंज हुआ है मैं कभी हैरान होता हूँ और मैं अपने सीनियर से भी ये पूछता हूँ कि देखिए हम भी मैं भी डी रहा हूँ और मैं भी लॉ एंड ऑर्डर देखता था ऐसा क्या हुआ कि हम 2013 में 14 में 16 में हम क्यों नहीं कर पाए कंट्रोल क्यों छोटे छोटे इंसिडेंट्स वहां होते थे और हर एक समर जब आता था जब हमारे समर्स में हमारा टूरिज्म सबसे बेस्ट होना चाहिए था जब हमारे स्कूल्स होने चाहिए थे तो हम क्यों नहीं मैनेज कर पा रहे थे इस चीज़ को ये बड़ा एक पजलिंग स्टोरी और पजलिंग क्वेश्चन मेरे लिए है कि पिछले चार साल से कैसे इतना सब कुछ ठीक हो गया कि वो स्टोन पेल्टिंग जो वहाँ इतनी होती थी वो तो कैसे खत्म हो गई कैसे ये दिस इज I mean, अभी भी मिस्ट्री है मिस्ट्री नहीं है या आपको पता चल गया जाए बिल्कुल मिस्ट्री नहीं है तो बिल्कुल बेसिकली क्या हुआ कि आपके पास विल होनी चाहिए लॉ एंड ऑर्डर को इनफोर्स करने के लिए पिछले तीस सालों में कश्मीरियों ने करीबन दो हजार दिन हड़ताल देखी टू थाउजेंड डेज विच रफली ट्रांसलेट्स टू छे साल दैट मींस कि हमारी जनरेशन के लोगों ने छे साल तक हड़ताल देखी करीबन सत्तर हजार लोग मारे और ये छे साल जो हड़ताल देखी इसकी सबसे इसका जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट है वो वहाँ के यूथ पे पड़ा खासकर स्टूडेंट्स पे साल, which means 6 school days were lost, which means कि आपकी एक जनरेशन छह साल तक स्कूल नहीं गई। फिर उसके कंपेरि में आप नेक्स्ट फिर अपना बिजनेस लॉसेस देखो पिछले तीस साल के जब नथिंग कुड बी डन त लाइफ का लॉस तो हुआ ही इट्स लाइक परमानेंट कोविड हम पीछे चले गए तो एक परमानेंट एपिडेमिक वहां पर रहा तीस साल तक mm -hmm. लंबा एपिडेमिक और फिर आप देखो पिछले चार साल से समथिंग इज सडनली चेंज्ड जी ट्वेंटी हो पाया इस साल पिछले चार साल में कोई हड़ताल नहीं हुई है कोविड को छोड़ दीजिए आज आई डोंट थिंक एनीबडी बडी रिमेंबर्स स्कूल बंद होते वो छुट्टियां जो इतनी बढ़ चुकी थी वहां पे हर दिन छुट्टी थी कश्मीरी बच्चों का माइंड ही हो गया था कि स्कूल नहीं जाना घर पर रहना क्योंकि कोई ना कोई हड़ताल आएगी वो बंद हो गया आपकी हाँ टूरिस्ट बाहर से आ रहे हैं रिकॉर्ड नंबर ऑफ टूरिस्ट ऑफ कम देर अच्छा उतना ही नहीं है डेवलपमेंटल वर्क में मानता तो, हूं इन्वेस्टमेंट हो रहा धीमे धीमे जितना भी पेस से हो रहा होने लगा है सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि यही कश्मीर जहां आज कोई वो सर्च एंड ऑपरेशन नहीं होता बहुत कम है वायल्ड हा पड़ोसी ऐसे जिनके पास हूं उनके वहां घर पे कभी ना कभी छापा तो पड़ेगा ही जिनके पास पाकिस्तान जैसा पड़ोसी होगा वहां कहासो बंद नहीं हो सकता बट अगर आप नंबर ऑफ सर्च एंड ऑपरेशन देखेंगे जो पिछले चार साल में पे, कितने बच्चों को पब्लिक सेफ्टी एक्ट में लाया गया आपको याद है वो पैलेट गन्स थे न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक दफा स्टोरी लिखी थी कि there is an epidemic got blind eyes. yes. तब ये नहीं हुई थी वो कहाँ गए पैलेट गन्स? वो ब्लाइंड आइज कहाँ चली गई क्या मतलब क्या सिर्फ कैसे हुआ, क्या? कैसे एक कैसे हुआ नहीं कैस क्यों नहीं होता है? आज क्यों नहीं हरासमेंट होती लोगों की आज वो पियसे नहीं लगता लोगों पे? आज किसी की आंखों का ब्लाइंडनेस नहीं होता इस चीज़ को आप कैसे अंडरमाइन करोगे कैसे इग्नोर करोगे कि कितनी बड़ी चेंज तो क्या जो स्टेट गवर्नमेंट्स होती थी वहाँ पे क्या पे? उनका भी एक दोष था कि प्रेशर में आके या जो भी है जो वहाँ के जो एलजी साहब हैं उनकी एक बड़ी ज़बरदस्त बात है हाँ तो एक बहुत अच्छी बात करते हैं वो कहते हैं कि हमने पीस वी डोंट हैव टू बाय पीस वी विल हैव टू इनफोर्स पीस थोड़ा कभी कभी लोगों को इस बात को समझने में मुश्किल आ कि यार ये आप क्या कहते हैं हम सब लोग लिबरल हैं ऐसी बात नहीं है हम भी चाहते हैं कि स्टेक होल्डर्स को आप साथ ले लें सिविल लिबर्टीज का रिस्पेक्ट हो बट वेन इट कम्स टू डीलिंग विद टेररिज्म डीलिंग विद प्रॉक्सी वॉर उसमें यू कैन नॉट बिलीव इट यू कैन नॉट गिव फ्री हैंड टू सबवर्सिव एलिमेंट्स फॉर हेल्प एट क्रिएटिंग ट्रबल इन यूर प्लेस आप टेरिस्ट के साथ क्या नेगोशिएट करोगेबल इट टुक मी ऑल्सो टाइम आपको मैं बिलीव करिए माई लाइफ में भी सोचता था कि यार वी मे नॉट नीड टू टेक अ स्ट्रॉन्ग अप्रोच टू टेरिज्म शायद ये उससे नहीं हो पाएगा वी विल है हार्ट एंड माइंड एक कोर्ट मैंने एक दफा एक आर्मी कैंप के बाहर देखा, लिखा हुआ एक ग्राफिटी लिखी हुई थी वो टेररिस्ट के बारे में उन्होंने वो कोर्ट वॉज डायरेक्टेड उसमें लिखा हुआ था कैच देम बाय द बॉल्स द हार्ट्स एंड माइंड्स विल फॉल। ये बात मुझे बड़ी अजीब तब लगती बट वेन इट कम्स टू डीलिंग ट्रस्ट बड़ा मुश्किल है यह बोलना इस चीज को एक्सेप्ट करना बड़ा मुश्किल है But perhaps it is the policy which works. And Kashmir, mein, I think we needed this. And as an officer, I am telling you, I regret hota hai that we could have possibly saved many more lives in 10, in 9, in 11, in 12, in 13, 14, which agitations were in summer. This ecosystem is decisions. 2017 ने तो क्या ये क्या गवर्नेंस, गवर्नेंस की बात है क्या 2019 ने बड़ी इंटरेस्टिंग चीज क्या करी कि उसने स्टेक्स चेंज कर दी उसने गेम भी बदल दी अच्छा जिनको डोमिनेंस था नैरेटिव पे वो था वो यही कैंप था जो कश्मीर को अलग करना चाहता था हां उनको डोमिनेंस पे नैरेटिव पे था वो कहते थे ये तो ऑलरेडी 50% निकला हुआ है एक धक्का और मच करती हुई दीवार को आपको याद होगा ये बड़ा हाँ, चलता था उन दिनों गिरती हुई दीवार को एक तक और तो, तो मुराल ब, ये मुर, कश्मीर सबसे बड़ी चीज है ये मुराल की गेम है जिसका मुराल आप है वही जीतेगा हमने अपनी गलतियों की वजह से जो एंटी नेशनल्स थे जो टेररिज्म सपोर्टर्स थे जो इको सिस्टम था विच वॉज फेसिलिटेटिंग सेपरेटिज्म उनका मुराल बहुत अराब था बिकॉज अ वेरी स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी हम बहुत केयरफुल हैं इवन वायर डीलिंग विद टेरिस्ट हम उनको भी फुल रिस्पेक्ट के साथ फुल राइट्स के साथ दे देते हैं कभी कभी उसको हमारी वीकनेस भी माना जाता है एंड देर आर पीपल लाइक मी जो वोटरीज रहे हैं इस चीज के क्या वो इन नीड टू रिस्पेक्ट द्यूमन राइटरिस्ट एंड यू कैन डिस्प्यूट दैट क्या शायद में अभी भी गलत होगी सही हो और ये माइंड सेट तब था जब आप पर्सनली आपके फैमिली में योर फादर uh, लश्कर तबा के टेररिस्ट ने मेरे फादर को मारा था क्यों मारा था जस्ट बिकॉज हीस विच वॉज है वेरी प्रैक्टिकल गाय एंड माई फैमिली मेम्बर्स एंड माई फ्रेंड्स जो आज भी उनकी एज के हैं वो मुझे आज कहते हैं बोला The, he, my father used to be called a master ji he was a teacher master mm -hmm. ji was a very visionary person he used to tell us in early 90s when the militancy started that india is a huge and a great nation don't mess with it you will get burnt he says that those days master ji a अफगानी और पाकिस्तानी राइफल्स लेके इनका क्या हाल होने वाला आगे इनका कोई फ्यूचर नहीं है बिगेस्ट ट्रेजिडीज ऑफ मिलिटेंसी वॉज दैट टेरिस ने सबसे ज्यादा जो मारा उन्होंने पहले कश्मीर के इंटेलेक्चुअल क्लास को खत्म किया वाइस चांसलर्स को मारा पोइट्स को मारा उन्होंने कश्मीरी पंडित जो हमारे सबसे बड़े जो विजनरीज थे और स्टेट्समैन थे उस कम्यूनिटी के उनको ख़त्म कर दिया जजेस को मारना इसी तरह से कश्मीरी मुस्लिम्स में जो भी बड़े पॉलिटिशन थे उन दिनों के लीडर्स थे राइटर्स थे पहले इन्होंने उसका सफाया किया और ये अनफॉर्चुनेटली जो भी टेररिस्ट मोमेंट्स चली अफगानिस्तान में या पाकिस्तान में या इवन इन द मिडल ईस्ट उन सब का या आईएसएस का जो, जो टेक्निक रहती है ये पहले समाज के जो सोचने समझने वाले तबके को खत्म करते थे उसके बाद आपके पास सवाल पूछने वाला कोई रहता तो ड्यूरिंग अर्ली नाइनटीज इन्होंने पहले खत्म कर दिया उन सब लोगों को जो सोचते समझने वाले लोग उसके बाद जो बाकी रह गए यू नो बड़ी आस्क ए क्वेश्चन टू यू। बट इवन देन तो हम सवाल ये बेसिकली डिस्कशन हो रहा था कि डिस्पाइट फैमिली I still used to feel that maybe the approach towards terrorism is still not right. We cannot be all out against them. शायद तब भी बात करने की जरूरत है इनके साथ ये misguided youngsters हैं. Misguided youngsters की technology हमने बहुत देर तक चलाई उसका कोई फायदा नहीं. You have to give. You must give the devil its due. जिन लोगों ने ये सोचा कि मैंने पहले भी इस बात में बोला कि बहुत सारे लोग कश्मीर में इस चीज को बुरा मानने लगे जब फ्यूनरल्स को स्टॉप करने के लिए गवर्नमेंट ने ये कहा कि ये जो ये बड़े बड़े फ्यूनरल्स हो रहे हैं टेरिस्ट के hmm. इनकी डेड बॉडीज को फैमिली को बोलो वो प्राइवेटली इनको फ्यूनरल राइट रिस्पेक्टफुली दे मस्ट क्रीमेट जिस तरह से भी करना है अपनी पूरी रिस्पेक्ट के साथ बट यू नीड टू इन्वॉल्व क्राउड्स तो जो वो क्राउड को अलग किया गया इस से या जो ये क्लोरिफिकेशन ऑफ डेथ जो कश्मीर में हो रहा था जब वो खत्म हुआ ये सारा क्रंबल हो गया सारा खत्म ये ये जो मैट स्टिक्स का जो ये माउंटेन बना हुआ था ये टावर जो मैट स्टिक्स का था ये एकदम से नीचे आ गया तो इको सिस्टम वॉज वेरी इंपॉर्टेंट वाज वेरी मच इम्पॉर्टेंट मुराल uh, की जो लड़ाई थी जब हमें एक बार मुराल जब हमारे स्टेट फोर्स सिक्योरिटी फोर्सेस का बड़ा पावर टू पीपल तो आई थिंक नॉर्मोलाइज इन सिचुएशन आपने कश्मीरी पंडितों की बात की एक बहुत अभी मूवी भी आई थी द कश्मीर फाइल्स आपने देखी वो आ, एक तो वो की उस पर आपका क्या विचार है और दूसरा क्या किया जा सकता है कि जो कश्मीरी पंडित आना चाहते हैं वैली में उनको रिस्टोरेशन का वापस से हो उसके लिए क्या हो सकता है आगे का रास्ता पंडित का जो एग्जॉर्डस है वो मैं बार बार आई हैडी कैन गिव स्टेटमेंट्स लेकिन हम अपने छोटे से दायरे में आई हैव ऑल्सो बीन आर्टिकुलेटिंग के दिस इज वन ऑफ द डार्केस्ट स्पॉट्स द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर के एक पूरी कम्युनिटी को निकलना पड़ा नाइनटीन नाइन्टीज में और उस वजह से जो बाकी कश्मीरी मुस्लिम कम्युनिटी रही उनकी मॉरल आर्गुमेंट खत्म हो गई आप क्या बताओगे कि हम अच्छे लोग हैं जब आपके जो पड़ोसी थे उनको माइग्रेट करना पड़ा हालात ऐसे थे कि आपकी भी जिंदगी कोई गारंटीड नहीं थी कि आप भी बचेंगे बड़ी हकीकत यह है कि एक पूरी कम्युनिटी को निकलना पड़ा तो एक ट्रॉमा रहा दोनों तरफ से एक पूरी कम्युनिटी का कल्चर ख़त्म हो गया दूर हो गए वो अपनी ज़मीनों से उनको अपने घरों को बेचना पड़ा लॉर्ड ऑफ वेल एंड फिर कश्मीरी मुस्लिम्स पे उसका क्या इम्पेक्ट पड़ा कि एक कश्मीरी स्कूल जिसमें कश्मीरी पंडित टीचर होता था और कश्मीरी बच्चे होते थे तो एक तरह का एक डायवर्सिटी हर एक स्कूल में थी हर एक गाँव में थी अब जो कश्मीरी बच्चा पढ़ रहा है उस स्कूल में देर इज नो कश्मीरी पंडित टीचर एंड कश्मीरी पंडित और कश्मीरी तो अब ये एक मोडो कल्चर में पैदा होने लगा इसका वर्ल्ड व्यू बदल गया अब ये जिंदगी एक अधूरी दुनिया देख रहा है अभी तक जो ये पूरी दुनिया देख रहा था अभी एक अधूरी दुनिया देख रहा है और ये एक पार्ट ऑफ कल्चर अब इसके पास रहा ये भी अधूरा हो गया और उससे जो जनरेशन आई वो एक इनकम्प्लीट जनरेशन थी विच इज़ नॉट वेल इन्फॉर्मड अबाउट इट्स कल्चर और हमारा दोनों तरफ का नुकसान हुआ इसलिए कश्मीरी पंडित का वापस आना मतलब आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीसिस इन द नॉर्मल सी प्रोजेक्ट जो कश्मीर का है उसमें उनके घर आने के बगैर उस चीज़ का तस्वर करना भी मुश्किल है कि यू कैन कॉल कश्मीर कश्मीर

किसी को कहीं पर बिठा नहीं सकते हैं बिल्कुल और कश्मीरी पंडित एक ऐसी कम्युनिटी नहीं है जिसको आप लेबॉरटरीज uh, में या छोटे छोटे डब्बों में बैठा कर मतलब शायद उनको वो अच्छा नहीं लगता है मे बी दे वुड वॉन्ट टू मिंगल एंड मर्ज विद अ लार्जर कम्युनिटी जैसे वो रहते आए हैं उनकी बस्तियां थी उनके टेम्पल्स थे हम तब हम मानेंगे कि वो सच में कश्मीरी कश्मीर वापस आए हैं अपने घरों में आए हैं वेन दे कैन गो ईजिली लैंड्स मीथर तो स्कूल एक नॉर्मल जैसे उनकी एग्जिस्टेंस थी वैसे उनको वापस दी जाएगी उसमें अभी आपको ये भी एक्सेप्ट करना है कि यू हैवे नेबर अगेन जिसकी मैं बात कर रहा हूँ कि जिसने हमेशा रिलीजन का मिस यूज किया है फॉर मैनिपुलेटिंग देंटीमेंट ऑफ कम्युनिटीज फॉर सपोर्टिंग टेरिज्म तो इस्लामाइज मिलिटेंट सी वहाँ से आई नाइनटीन नाइनटीज में

अक्रॉस द बॉर्डर्स जहाँ जहाँ बॉर्डर्स पाकिस्तान की मिलती है वहाँ से आपको कोई ब्लेसिंग नहीं आएगी वेस्ट से जो भी चीज आएगी पाकिस्तान के पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं hmm. आपको देने के लिए सिर्फ उनके पास है मिलिटेंसी ड्रग्स नेगेटिविटी टॉक्सिक एडियोलॉजीज उसके अलावा कोई पॉजिटिव एक्सपोर्ट ही नहीं जो पुराने लेजेंड्स उनके पास म्यूजिशन थे सिंगर्स थे आर्टिस्ट्स थे वो अब धीमे धीमे इस दुनिया से निकल रहे हैं उनका जो शायद कुछ पॉजिटिविटी उनकी आती भी थी यूट्यूब के थ्रू आई थिंक वो भी खत्म हो गई कोक स्टूडियो की बात कर करना चाहिए मुझे लगता है खत्म ही हो रहा है धीमे धीमे मैं मैं कभी समझ सोचता हूँ कि ये कंट्री देगा ना उम्मीद थी कि बगैर वहां से कुछ नहीं आता hmm. वो कंट्री अपने आप को संभाले जिस हालत में ये लोग हैं एक फेल्ड एक फेल्ड कंट्री हो गया है विच इज लाइक अ वार्निंग फॉर ऑल द नेशंस कि कहां से कहां पहुंच गए hmm. इनके पास मतलब लोगों के पास खाने के लिए नहीं लोन पे लोन लिए जा रही है एक उस पर उनको कोई ध्यान नहीं है एंड यू सी लाइक सोशल मीडिया देखिए उन लोगों का वहां से आज भी दे विल नॉट टॉक अबाउट देयर डेवलपमेंटल इश्यूज देयर इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स या वो रिलीजन के बारे में बात कर रहे होते हैं या कहीं बम ब्लास्ट कर देंगे अभी रिसेंटली आशूरा के प्रोसेशन चल रहे थे वहाँ पे शिया कम्युनिटी के खिलाफ इन्होंने बम ब्लास्ट किए वो भी वो क्यों रुक गया था मतलब ये भी ऐसे सुनने में आया कि बीस तीस साल से बंद था वो प्र... कश्मीर में कंट्रास्ट देखिए एक तरफ से पाकिस्तान के खैबर पख्तुन खा में एक आशूरा प्रोसेशन निकलता है और उसमें एक सुसाइड बॉम्बर आता है और उसको उड़ा देता है और वहाँ पे पचास साठ लोग शायद उनकी जान चली जाती है क्यों जी क्योंकि जो मौलाना वहां के हैं वो शियाज को काफर मानते हैं क्योंकि जिस तरह की तकफीरी आइडियोलॉजी पाकिस्तान में प्रमोट हुई और अफगानिस्तान में हुई और बाकी स्टेट्स में हुई उसका नतीजा यही था एक्सपेक्टेड कंक्लूजन है उसके कि जो आपने फसल बोई है उसके नतीजे तो आ रहे हैं और उसका कॉन्ट्रास्ट यह देखिए तीस साल बाद जो एक इंपॉर्टेंट आशूरा का प्रोसेशन लाल चौक में निकला करता था और मिलिटेंसी की वजह से यहां पे भी उस पर बैन लगी गई लगाई गई थी बिकॉज जो उन दिनों यहां मर्सनरीज आते थे पाकिस्तान से गवर्नमेंट को उन दिनों लगा था कि ये लोग इस पर अटैक कर सकते हैं बिकॉज ये जो पाकिस्तान में करते हैं ये एग्जैक्टली जम्मू कश्मीर में वैसे ही करना चाहते sure. और तीस साल बाद ये आशूरा का ये शिया प्रोसेशन आज अलाउ हुआ है मैं कह रहा हूँ हाल ही दिनों में वन ऑफ द बिगेस्ट अगर आप अचीवमेंट्स कहेंगे गवर्नमेंट वो ये है कि ये प्रोसेशन पीसफुली चला और कोई किसी तरह की कोई कोई गलत जड्डा उसमें नहीं उठाया गया कोई कोई गलत स्लोगन नहीं दिया गया और बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर था ये शिया कम्युनिटी के लिए कि देखिए दिस इज द रियल एसेंस ऑफ इंडिया जहाँ पे यू आर फ्री टू प्रैक्टिस यूर फेथ एक क्वेश्चन भी पूछा था कमेंट्स uh, में और मुझे लगता है काफी क्वेश्चन वालों ने बहुत क्वेश्चंस पूछे यूजुअली मैं नहीं ये तो एक्सपेक्टेड मतलब आप तो <laughs> तो उसका मतलब क्या फ्यूचर देखते हो आप रिलीजन देखिए रिलीजन पूरी दुनिया में हम जिस तरह से ग्लोबल ट्रेंड्स देख रहे हैं डिफरेंट एक्सपीरियंसिस डिफरेंट कलचर्स की है अगर आप यू एस ए की देखेंगे वहाँ वो सारी एक परसेंटेज थी जो लोग वो डोंट बिलीव इन एनी गॉड या एथीज़्म जिसको आप बोलते थे वहाँ उनकी तादाद बढ़ रही थी बट एट द सेम टाइम कुछ सर्वेज़ बाकी भी जो साउथ एशिया में हुए हैं वो ये भी कह रहे हैं कि जो रिलीजस कॉन्शसनेस है वो हर कम्यूनिटी की वक्त के साथ साथ बढ़ी हुई है मैं ये मानता हूँ कि जितना रिलीजन को आप आइडेंटिटी के साथ जोड़ेंगे उतना रिलीजन आपके लिए और हम सब के लिए एक एमिनिशन एक और एक एक डिजास्टर की सूरत ले लेगा रिलीजन एक एक्सट्रीमली पर्सनल चीज और कश्मीर के एंगल से आप बात करेंगे तो तो कश्मीर का जो फेथ रहा है जो कश्मीर में जब इस्लाम आया एक बहुत ही यूनिक परस्पेक्टिव इस्लाम का कश्मीर और यूनिक एक्सपीरियंस रही कश्मीर में इस्लाम की के हमारे वहां पे जो हमारे जो पेट्रन सेंट है कश्मीर के जिनकी वजह से कश्मीर में शायद इस्लाम फैला उनको बोलते हैं नंद ऋषि नंद ऋषि एक कश्मीरी एसेटिक थे एक कश्मीरी स्पिरिचुअल सेंट थे और नाम उनका है ऋषि ये ऋषि आपको नहीं लगता है कि ये हम हिंदू ऋषि को भी बोलते हैं तो मुस्लिम ऋषि को भी ऋषि ही बोलते हैं और जो इसका पूरा एक सीरीज या जिसको हम सिलसिला बोलते हैं उसको कश्मीर में बोलते हैं ऋषि सिलसिला अच्छी इन सारे मुस्लिम सेट्स वाइज पीपल सेट्स का एक सिलसिला है जिन सबको रिशीज बोला जाता है और ये रिशीज पूरे कश्मीर में स्प्रेड है इनकी वजह से इस्लाम कश्मीर में फैला और उनके इस्लाम की क्या खसूसियत थी जो इन्होंने समझाया इस्लाम में इन्होंने बताया कि दुनिया में जो सारी चीजें हैं जिनमें जिंदगी है या नहीं है वो सब एक बड़े होल का हिस्सा है ठीक है यूनिटी इन डिविनिटी इन्होंने कही इन्होंने कहा जैसे हम ये भी कहते हैं कि हर कण कण में शो है जैसे हम ये कहते हैं कि वजूद के कॉन्शियसनेस प्रोवेट्स एवरीथिंग ये फिलॉसफी थी कश्मीरी इस्लाम की और शेख नूरुद्दीन नूरानी ये जो जिनको हम नंद ऋषि बोलते हैं इनके इनके जो स्पिरिचुअल मास्टर थे या गाइड थे वो कौन थी वो एक लेडी थी उनका नाम था लला दैत दैत के बारे में मुस्लिम्स उनको मुस्लिम क्लेम करते हैं हिंदूज उनको कश्मीरी पंडित कश्मीरी पंडित क्लेम करते हैं उनकी फिलोसफी में आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये मुस्लिम है कि हिंदू है इस तरह के बैलेंस ये है एसेंस ऑफ कश्मीरी इस्लाम जिसमें ह्यूमन बीइंग के लिए रिस्पेक्ट है जिसमें हम्बल लाइफ गुजारने पर ध्यान दिया गया है जिस पे नेचर के ये बहुत अच्छा कहा जाता है कि नूंद ऋषि के बारे में कि आज जब हम क्लाइमेट चेंज की बातें करते हैं नुंद ऋषि ने तब कहा बोला अन पोश तेली वन पोश विच मीनस दैट कि इस दुनिया में खाना तब तक ही रहेगा जब तक ट्रीज रहेंगे तो बड़ी सस्टेनेबल और नेचुरलिस्टिक फिलोसफी थी उनकी रिलीजन hmm. की और उस रिलीजन में और उस इस्लामिक कॉन्शियसनेस में आप चीटी को भी नहीं मार सकते बिकॉज वो एक कंटिन्यूटी रिप्रेजेंट करती है उससे पास्ट में जो बुद्धज़्म था उससे पहले जो शवाई ट्रेडिशंस थे कश्मीर के ये जो फ़िलासफी थी ये उन सब को अद्वैत की तरह मिला के चली थी इसमें नॉन ड्यूलिस्टिक थी इट मीनस कि ये क्रिएटर और क्रिएशन में कोई डिफरेंस नहीं बताता ये कहता था कि हम सब में वो स्पार्क है वो दुनिया वो जिंदगी है हम सब में जिसने हमें अपनाया और रोशनी हम सब में है और हमें हर एक चीज़ का रिस्पेक्ट करना है तो हम कहाँ से जी अफगानिस्तान और पाकिस्तान के जो मौलाना है जो रेडिकलाइज इस्लाम पढ़ाते हैं और जो ये कहते हैं कि हमें जी किसी को काफिर बना के मारना है तो वो काफिर वो भी हो सकता है जो छोटे से छोटी गलती भी करे मुसलमान भी काफिर हो गया ये भी काफिर हो गया शिया भी काफिर अहमदी भी काफिर अब बरेलवी भी, भी काफिर अब हर कोई काफिर ये नहीं है कश्मीर तो मैं कंसर्नड हूँ कि जो हमारा एसेंस है कश्मीरी कॉन्शियसनेस में जो इस्लाम की कॉन्शियसनेस रही है आज भी मेजॉरिटी ऑफ कश्मीरीज फॉलो दैट जो गांव का कश्मीरी है वो आज भी उतर ही है वो आज भी बिलीव करता है इन द प्रिंसिपल ऑफ नॉन हार्म कि हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते और उस चीज़ का मैं चाहता हूं कि वो बढ़े और उन शायद फोर्सेस को हमें हेल्प करने की ज़रूरत है कि वो जो यूनिवर्सलिस्टिक कॉन्शियसनेस है वहाँ पे उस पर हम पढ़ाए अनफॉर्चुनेटली बहुत कोशिशें पाकिस्तान ने की कई और कंट्रीज से ऐसी आइडियोलॉजीज आई हमारे साथ जो विच आर नॉट सूटेड टू द स्पिरिट ऑफ इस्लाम इन कश्मीर जो हम थे ही नहीं हमारे एडसस्टर्स ने कभी इस्लाम को उस तरह से समझा ही नहीं था और आज हमें बोला जाता है कि आपके एडसस्टर्स थे वो डिवियंट थे वो गलत इस्लाम समझते थे क्योंकि ये एक अजीब सा एक ये एक्चुअली आपने बहुत इंटरेस्टिंग बात की ये जब इन्होंने पाकिस्तान डीप स्टेट ने जब अफगानिस्तान को रेडिकलाइज़ करने का उनकी सोसाइटी को इस्लामाइज़ करने का जब प्लान बनाया तो वहाँ पे जब तालिबान इंक्लूडिंग तालिबान तो वो कि आप गलत फॉलो कर रहे हैं क्योंकि वो भी जाते हैं दरगाहों पे तालिबानी भी जाते हैं मुल्ला उमर था या कौन था वहाँ पर वो गए थे तो ओसामा ने बोला या किसने बोला कि ये क्या है तो बोला कि भाई ये आप रहने दो ये हमारा ये तो चलेगा तो वो एक बुक भी है सोसाइटी के ऊपर अफगान सोसाइटी के ऊपर उसमें एक्सप्लेन किया गया कि देर इज अ कोड पश्तून कोड वो पश्नवली वो उनका चलता है एंड दैट इज समाइम्स इन कॉन्ट्रास्ट ऑफ इस्लाम तो वहां का जो वो वर्जन है वो ए, वो इवन आफ्टर तालिबान चल रहा है सच बताऊँ तो इस्लाम में ऐसी बात नहीं थी कि इस्लाम या जो मुस्लिम कम्युनिटी है ये कोई दुनिया में एक है जिस तरह से इस्लाम अरब में आया और वहां से चलते चलते फिर ये पहुंचते पहुंचते इंडिया के थ्रू ईरान के ईरान इंडिया के थ्रू पहुंचते पहुंचते इंडोनेशिया मलेशिया थ्रू आगे चला गया hmm. इस पूरे सफ़र में जब ये चला ये एक रिलीजन चला इसकी जो स्पिरिचुअल मैसेज चली इसने हर जगह अपने अपने कल्चर के साथ अपने आप को अडॉप्ट किया तो इंडोनेशियंस ने इस्लाम को जैसे समझा है वो बिल्कुल अलग अलग सा इस्लाम है आप जानते हैं उसको उन्होंने अपनी एनशेंट हिंदू मथॉलॉजी को उसमें एम्बेड किया उन्होंने hmm. कहा मेरा और मेरे अल्लाह का जो रिश्ता है वो मेरा और उसका पर्सनल है और जो मेरा कल्चर है इट इज़ समथिंग एल्स ये हमने इन्हेरिट किया है इसका मेरे दीन के साथ कोई वापसगी नहीं है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता इसी तरह से कश्मीर का जो इस्लाम है अपना एक अपनी एक इसकी एक थी, अपना एक 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 यूनिक 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 अपनी इसकी अंडरस्टैंडिंग थी और फ्लेवर था इसका ईरानियन hmm. इस्लाम ईरान में जब इस्लाम आया या टर्की में आया उसका एक अपना यूनिक फ्लेवर है क्या हुआ फिर पिछले तीस चालीस साल से कि एक अटम्प्ट की गई कि इसको अरबाइज किया जाए अब अगर अरब में वो श लगाते हैं और अरब में जुब्बा कोई पहनता है तो हम भी लगाएंगे हमें भी अरब दिखना है मुझे भी अरबी की तरह बात करनी है हा? मुझे उनके फूड के उनके लाइफस्टाइल को उनकी पर्सनल लॉ को हर चीज़ को उसी तरह से मुझे बनाना है तो मुझे अपनी लोकल कल्चर से नफरत हो जानी चाहिए मुझे फिर भी वैसे ही पढ़नी है तो मुझे पूरा वही बनना और वही माइंड भी मेरी होनी चाहिए देखिए इस्लाम में कई स्कूल ऑफ थाट है हम्बली है शाफी है है हुँ? फिर जाफरिया फिर उसके बाद मालिकी या स्कूल ऑफ थॉट है चार ऑफ ऑफ थॉट्स में हर स्कूल थॉट की है चीजों को समझने के लिए हर किसी को अपनी अपनी तरह से समझ इस्लाम को इस्ला, हर किसी ने इस्लाम को अपनी अपनी तरह से समझा है तो हर आप कैसे हर किसी को फोर्स कर सकते हो कि नहीं जी मैं जो कह रहा हूँ वही सही है कहीं कही ना कहीं वो कल्चर जो होता है किसी का भी वो तो डीएनए में घुसा ही हुआ है ना डीएनए में घुसा हुआ और आप नहीं कर सकते हो हर किसी को एक इंटरप्रिटेशन पे कि मैंने अगर पजामा थोड़ा सा ऊपर रखा हुआ है मैं में कर रहा हूं तो तुम लेफ्ट अब अगर मैंने पजामा ऊपर रखा है तुम्हें तो भी रखना अगर तुम नहीं रखोगे फिर तुम काफिर बन गए <laughs> ये जो चीज थी इस्लाम में नहीं थी हाँ इस्लाम एक इनक्लूसिव फेथ है जो पूरी दुनिया को एक ही धागे में बांधने में बिलीव करता है और वो मैसेज पता नहीं कहाँ गायब हो गई mm. जिहाद पे बात चल रही है बात चल रही है एक्सपेंशनिज्म पे बात चल रही है वेमेन्स राइट्स को कैसे हम ज्यादा से देखिए कभी कभी मैं ये बड़ा अजीब सा टॉपिक है आई डोंट वांट टू डिस्कस दिस एट दिस पॉइंट जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात है आई डोंट वांट टू गिव एन ओपिनियन ऑन दिस बट मैं आपको ये बताऊँ अगर आप किसी भी यूरोपियन कंट्री में जाएंगे वहां यू आर नॉट अलाउड टू टेक टू वाइफ्स बिकॉज यू हैव टू गेट मैरिड अंडर द लॉ ऑफ द लैंड तो ये कहा है कि आप लॉ ऑफ द लैंड फॉलो नहीं करेंगे अगर आपको फिर शरिया लॉ फॉलो करना है फिर तो शरिया लॉ में अगर कोई चोरी करता है उसकी उसकी पनिशमेंट है हाथ काटना आप बोलिए मैं भी मैं फिर अडॉप्ट करूंगा वही लॉ अपने लिए भी अगर शरिया लॉ लगना ही है तो फिर सारी चीजों पे लगा देना चाहिए hmm. हम क्या चाहते हैं कि हम चाहते हैं कुछ चीजों पे ये चीज़ चले कुछ चीजों पे ये चीज चले और इस्लाम के नाम पे ये हो जाए अपना अपना शरिया अपना आप कितने शरिया चलेंगे फिर तो आप एक तरफ से रहो या दूसरी तरफ से उसका सबसे बेस्ट सोल्यूशन ये है कि आप अपने फेथ को अपने और अपने रब के बीच में एक कोविड माले और बाकी जो दुनिया है उसके बाहर है आपको लगता है कि जो मतलब सऊदी अरेबिया में भी हो रहा है मोहम्मद बिन सलमान जो कर रहे हैं काफी रेडिकल चेंजेस हैं उसका असर पूरे मुस्लिम वर्ल्ड पे पड़ेगा और बड़ी बात है ये हाँ। कि पहले जो वहां से ही आई थी ये मैसेज कि तुम लोग अपने इस्लाम को इम्प्रूव करो अरे अरेबाइज करो जो हो रहे हैं वो भी अरे भाई हो सबसे पहले बड़ी बात यह है कि जो पुश था फॉर अरेबाइजेशन जो पुश था फॉर रेडिकलाइजेशन पहले तो वो खत्म हुआ अब हम नया रिफॉर्म एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे इट विल टेक सम टाइम कम्युनिटीज टू अडॉप्ट बट पहले तो पुश खत्म हो गया दूसरी बात ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज दी जाती है आई माई सेल्फ रिमेम्बर इन माई ओन लाइफ आई हैव मेट पीपल ओल्ड पीपल जो रिलीजियस पाइस लोग थे हमारे गांव में होते थे उनको आप बोलते थे ना फोटो लेना फोटो लेना है। अगर आप फोटो लेने के लिए उनको बोलते आई विल टेक यू फोटोग्राफ अच्छा वो आपका कैमरा तोड़ते थे वुड से दैट टेकिंग फोटोग्राफर्साम पिछले दस साल में भी कैसे हुआ कि फोटोग्राफ लेना क्या वीडियो लेना आज हर कोई मौलाना साहब फेसबुक और सोशल मीडिया पर अपनी वीडियो डाल रहे होते हैं ये इंटरप्रिटेशन की बात है जो मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरबिया में कर रहे हैं इट्स अ मैसेज थिंग उन्होंने इस साल पहली बार औरतों को हज पे जाने के लिए एक रिक्वायरमेंट होती थी महरम की कि आपको कोई मेल गार्जियन साथ होना चाहिए उन्होंने कहा अब सिंगल वन भी जा सकती है चार हजार औरतें इंडिया से चली गई इट इसम थे कितना बदल रहा है धीमे दी धीमे और इस्लाम को अगर आप चाहें तो कितना फ्लैक्सीबल है और शायद हमारी कम्यूनिटीज को साउथ एशिया में खासकर हमारे देश की इतनी बड़ी मुस्लिम कम्युनिटी उनके लिए कितना जरूरी है ये समझना कि जिस तरह से आपको लगा है कि हार्ड एंड फास्ट रूल हैं देखिए सऊदी अरेबिया में इस वक्त करिकुलम रिफॉर्म्स हो रहे हैं उनकी टेक्स्ट बुक्स में से ऐसी इंटरप्रटेश कुरान और अदीस की रिमूव की जा रही है जो इंटरप्रटेश इंटरफेथ हारनी दूसरी कम्यूनिटीज के वीजा भी रिस्पेक्ट औरतों के वीजा भी रिस्पेक्ट उसके अगेंस्ट है वो कहते हैं कि ये तो मैसेज ही कुरान का नहीं है कुरान तो इंसाफ की मैसेज करता है आपने जो इंटरप्रिटेशन या तफसीर इसकी करी थी वो गलत थी हम इसको आपके बच्चों को पढ़ाने लायक सौ पेज की सऊदी अरेबिया का आप देख लेना उसमें उन्होंने काफी सारे कंट्रीज का रिपोर्ट निकाला है अच्छा इट्स फिनल रिपोर्ट कि सऊदी अरेबिया कितना बदल रहा है और हमारे जो देश में जो हमारे मदरसे हमारे जो दारोम है जहाँ पे रिलीजियस टीचिंग हो रही है जहाँ पर इन्हीं स्क्रिप्चर्स को पढ़ाया जा रहा है जहाँ पर सही बुखारी सही मुस्लिम इबनिमाचा उनकी हदीस को जो पढ़ाया जा रहा है तो हमें कितना ये देखना है कि क्या हम सही इंटरप्रटेशन या सही ट्रांसलेशन पढ़ा रहे हैं अब अगर अरब कह रहे हैं कि ये ठीक नहीं है तो मैं तो करता हूँ कि आने वाले दिनों में हमारे जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन हमारे देश के हैं जो इस्लाम पढ़ाते हैं इस्लाम के इस्लामिक स्टडीज जहाँ पढ़ाई जाती है आई एम कि ये नॉलेज पे भी हो जाए। uh, आखिरी में uh, आपने कहा जैसे गवर्नेंस की वजह से मासिव चेंज आया है अगर मान लीजिए ये सेंटर का रूल है अभी उसके बाद फिर से डेमोक्रेसी आ गई और फिर से स्टेट गवर्नमेंट बनती है या मतलब जिससे भी विद करटेल्ड पावर्स और वट एवर डेली लाइक अरेंजमेंट और वट एवर द गवर्नमेंट डिसाइड्स लेट्स से स्टेट हुड आई जाएगा बिकॉज इट हैज़ तो फिर वहाँ पर सी एम होगा फिर सारा ब्यूरोसी होगा वो उसको रिपोर्ट करेंगे एंड देर विल बी लोकल कंपलशन पेंडरिंग टू मासस इलेक्टोरल कंपलशन होंगे तो आपको लगता है कि वो जो पुराने वाली चीज़ें थी वो वापस आ सकती हैं मुझे लगता है पहली चीज तो आज कश्मीरियों को ये पूरी समझ आई है अब जिससे भी बात करेंगे खासकर जिन लोगों ने जो अब नई जनरेशन कश्मीरियों की है उनको ये समझ आया है कि काफी सारी चीजें ऐसी थी जो बहुत बोली जाती थी कश्मीर में जिनका कोई मीनिंग नहीं था अच्छा और जैसे जैसे ये जो नरेटिव था कि कश्मीर कोई मसला है कश्मीर मसले को हल कर ये आ, मतलब मसला है मतलब वो तो एक एक आ गया। वो में आ गया गया में अभी कॉमिकल स्टेटमेंट uh, लगता है लोग हंसते हैं इस पर कि ये क्या बोला जा रहा है बिकॉज हमने हमनेटिव चेंज किया हमने बोला कश्मीर मसला तो 1947 में हल हुआ है अब अगर कोई मसला है वो पीओके वो पहले हम हल करें yes. तो जो ये चेंज हुआ रिथिंकिंग चल रही है वो अब समझ आई है लोगों को कि भाई ये सब जो ये मारदाट हो रही थी पिछले दस पंद्रह साल से इससे कुछ निकलने वाला है नहीं अब जो आपने सवाल एग्जैक्टली पूछा वो ये है उसमें मेरा मानना ये है कि वी विल ऑल्सो है साल में सेट करी हैं कि कुछ चीजें उन पे कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता नॉन कि यू कैन नॉट गिव अ लॉन्ग रोप टू टेरिस्ट एलिमेंट्स आई थिंक अब उसकी आदत होने लगी है एडमिनिस्ट्रेशन को मुझे नहीं लगता है कि ये जो रस्सी ये अब ढीली पड़ सकती है मुझे नहीं लगता कि यू कैन गो बैक ऑन दिस आई थिंक जो भी कमिंग डेज में कश्मीर में जो भी चलाएगा जिसको भी चलाना होगा आई थिंक आप उनसे ये एक्सपेक्टेशन है कि आप इन चीज़ों पर यू के नॉट गो ऑन स्लो ऑन टेररिज्म दर इज नो टॉलरेंस फॉर एंटी नेशनल एक्टिविटीज इन कश्मीर पाकिस्तान के साथ किसी भी तरह की कोई भी इंगेजमेंट करनी है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का काम है वो यू टी लेवल पर आपको या स्टेट लेवल पर आपको उस पर ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है एक बड़ी ज़बरदस्त बात हुई है कि इंडिया और पाकिस्तान को बात करनी चाहिए कि नहीं चाहिए बिलीव मी मेरे जैसे बंदे भी इस पर स्टेटमेंट देते थे हमें लगता था कश्मीर इंडिया देश को पाकिस्तान के साथ बात करनी चाहिए। कुछ डिसाइड हो रहा है कुछ डिसाइड हो रहा भाई आई थिंक व्हाट हैज़ बीन मेड क्लियर बाय देंट्रल गवर्नमेंट इन लास्ट फ्यू ईयर इज दैट दिस इज नल ऑफ यूर हेड डोंट वरी अबाउट इट देर इज काम मिनिस्ट्री एक्सटर्नल आप फिक्र नहीं करो हम संभालेंगे mm -hmm. हमें कब बात करनी है यहाँ देर आर बेटरस्टैंड करनी है आपको अपना डिवेलपमेंट गवर्नस करप ट्रांसपेरेंसी जॉब्स लाइवलीहुड है ना यूथ mm -hmm. की डिवेलपमेंट पे एजुकेशन पे आपको जो काम दिया गया है टूरिज्म पे हेल्थ पे आप उस पर प्लीज फोकस करिए शो रिजल्ट रेस्ट ऑफ द स्टेट है ना लोगों का जो सेंस ऑफ है उसको खत्म करो शो चेंज आ रही है बाकी चीज़ें आई आई थिंक थिंक वी विल टेक केयर। वो चीज़ अब रिवर्स करना बहुत मुश्किल होगा। मैं लेकिन आप, <laughs> और बहुत <controversial> सवाल पूछे नॉर्मली <laughs> मैं कभी शायद एग्री नहीं करता कि कोई टीवी चैनल मुझसे और कंट्रोवर्सी अच्छा क्रिएट uh, करने का कोई उद्देश्य नहीं है जो चीजें हैं उनको एड्रेस हो जाए और वो दोनों के लिए अच्छा अच्छी है ठीक है अच्छी बात बट आई वुड लाइक की हम एक और कॉन्वर्सेशन कभी करें पहले देखते हैं क्योंकि दे देखेंगे क्योंकि आपके जो व्यूज हैं वो इस में फिट हुए नहीं मतलब पूरे और बहुत सारी बात हाँ है पे बात बहुत है। सारे टॉपिक्स हैं गवर्नेंस रिलेटेड अदर थिंग्स फिलोसफी टॉकिंग में भी अगली बार जिंदगी के बारे में थोड़ा हाँ एक्जेक्टली कश्मीर exactly. में थोड़ा में भी थोड़ा यूपीएससी में अच्छे

जिस पे हम बात कर सकते हैं कि तो क्या क्या रिफॉर्म्स कम से कम हो सकते हैं। ले लेना, ले <laughs> पक्का पक्का, back. Thank you so much, sir. बहुत Thank अच्छा you लगा। so आपने इतना समय दिया इतने बिजी so हैं आप फिर भी थैंक यू सो मच थैंक यू वेरी मच